नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता और स्वादविद संगीता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क शेक। और बादाम मिल्क शेक बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। इसकी खासियत ये है कि आप इसे बनाकर फ्रिज में 4-5 दिन तक रख करके इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने बादाम भिगो कर रख दिए थे रात में ही, और इसे अब हम छील लेंगे। और अगर आप में बादाम भिगोना मतलब भूल गए हैं अगर, तो आप अगर बनाने से पहले 2-3 घंटे पहले इसे भिगो लीजिए और गुनगुने पानी से, तो ये बहुत ही आसानी से फूल जाता है और इसका हम छिलका उतार लेंगे। तो आप चाहे तो बिना छिलका उतारे भी इसे पीस सकते हैं। तो ये देखिए, छील लिया है मैंने, और इसे अब हम धो लेंगे अच्छे से, और फ्रेश पानी से धो लिया है, अब हम इसे पीस लेंगे। तो बादाम की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं केवल ये 15 से 20 बादाम ही भिगोई थी। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, और इसका हम जो है ना पीस लेंगे। ये देखिए, पीस लिया है मैंने, ग्राइंड कर लिया है। और अब हम एक बर्तन में लेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और इसमें थोड़ा सा गुनगुना दूध लेंगे, और इसको हम घोल लेंगे अच्छे से ताकि इसमें लम्स नहीं रहें। और अब हम चलते हैं इसके आगे प्रोसेस में। तो एक कढ़ाई में मैंने दूध लिया है, 1 लीटर दूध लिया है मैंने, 1 लीटर दूध लेंगे, और गाय का दूध या फिर कोई भी दूध आप ले सकते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें चीनी मिठास के लिए, तो मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चीनी। और अगर आप टेबल स्पून से इसके मेजरमेंट करेंगे तो 4 टेबल स्पून के करीब इसमें चीनी डाला है मैंने, शुगर। तो चीनी की जगह आप मिश्री भी ले सकते हैं, धागे वाली, वो बहुत ही हेल्दी होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे, उबाल इसमें आ गया है, तो ये कस्टर्ड जो है हमने घोल के रखा है, इसे हम डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है और ये धीरे धीरे गाढ़ा हो गया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने पीस के रखा है ना बादाम को, तो इसको इसमें हम डाल देंगे, और धो करके थोड़ा सा रिंस करके मैंने मिक्सी के जार को भी डाल दिया है, और इसको ना फिर थोड़ी देर और चला लेंगे। तो टोटल इसके प्रोसेस में ना 10 से 12 मिनट ही लगते हैं बनने में ये। और इसमें अब हम डालेंगे इसके फ्लेवर के लिए केवड़ा जल। तो केवड़ा जल डालने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अगर आपके पास केवड़ा जल नहीं है तो आप रोज वाटर गुलाब जल भी डाल सकते हैं, और अगर गुलाब जल भी नहीं डालना चाहते हैं तो केवल इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो केवड़ा जल जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बादाम शेक का। तो अब हो चुका है, ये देखिए धीरे धीरे ये थिक हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस बंद कर देंगे और इसे उतार करके रख लेंगे। तो ये मैं उतार ली हूँ, और ये देखिए कितना बढ़िया ठीक हो चुका है ये। तो इसे ना एक बर्तन में निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, मीडियम रखना है इसे। तो एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो मैं रख दी थी 2 से 3 घंटे, आप रख दीजिए फ्रिज में या फिर इस तरह भी रख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि सर्व कर लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी बादाम शेक लगता है पीने में फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरी रेसिपी पसंद आई हो ना, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ये हमारा बन चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसका गार्निश भी कर लेंगे, जिससे कि खाने में भी अच्छा लगता है, इसे पीने में भी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ना थोड़े से पिस्ता और बादाम को काट करके रख लिया है। तो ये हमारा बन करके मिल्क शेक तैयार है फ्रेंड्स। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ नए रेसिपी के साथ में, नए वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।